मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह मौजूद हैं। आज इस बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है। आबकारी नीति को लेकर लगातार कई दिनों से बातचीत हो रही थी और आबकारी नीति के चलते सरकार के राजस्व में भी काफी कमी देखने को मिली थी, क्योंकि बढ़ती शराब के दाम के चलते सरकार के राजकोष में काफी कमी देखने को मिली थी। तो वहीं ये बैठक चल रही है और इस बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है। तो बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां कैबिनेट की बैठक शुरू है। वहीं हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं हमारे इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। अजीत, जिस तरीके से इस बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है, तो नई आबकारी नीति आने से सरकार को क्या कुछ फायदे होंगे? बिल्कुल अभिषेक, राज्य कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो 11 बजे से लगातार जारी है और जिस तरह से जो विभागीय जानकारी हमें मिल रही है, लगभग 10 के करीब प्रस्ताव है जिनको राज्य कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है कि कितने प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 10 से लेकर 1 दर्जन तक प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होनी है। और दूसरी बड़ी बात, जो आबकारी नीति 2020-21 को लेकर आनी है, उस पर मंथन हो सकता है आज की राज्य कैबिनेट की बैठक में। सरकार की कोशिश है, जो पिछले साल का राजस्व का एक आंकड़ा था उसको छू पाने में थोड़ा पीछे रहा है इस बार आबकारी विभाग, और लगभग 200 से 300 करोड़ का राजस्व हानि होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया हुआ है राजस्व विभाग, आबकारी विभाग में, माफ कीजिएगा। और कोशिश उनकी यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके वित्तीय वर्ष खत्म होने तक। और जो नई आबकारी पॉलिसी लेकर आ रहा है आबकारी विभाग, उनमें आबकारी विभाग की कोशिश है कि जो रिटेल के दाम है वो कुछ घटाए जाए, जिससे बिक्री है उसमें इजाफा हो और उसके साथ ही फिर राजस्व में भी इजाफा हो। साथ ही इसके अलावा जो दुकानें हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर आबकारी विभाग का जोर होगा। तो कहीं ना कहीं आबकारी पॉलिसी को लेकर मंथन जारी है, कोशिशें जारी है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली आयुष्मान योजना का लाभ है उसको लेकर एक मंथन किया जा सकता है, मंजूरी दी जा सकती है। अभी तक केवल जो पब्लिक है या सीधे तौर पर आम लोग हैं उनको इसका फायदा मिलता था, लेकिन सरकारी कर्मचारी इससे वंचित थे। उनकी मांग थी कि आयुष्मान योजना में उनको भी जोड़ा जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। जी जी अरे, जिस प्रकार से आबकारी नीति लाने का, क्या यही वजह हो सकता है? जिस प्रकार से लगातार ये देखा गया था कि जो उत्तराखंड के आसपास के सटे इलाके हैं, जो दूसरे प्रदेश हो जाते हैं, लोग वहां से जाकर शराब ले आते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को काफी नुकसान देखने को मिलता था, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार ने जो तय कर रखे हैं रेट वो काफी अधिक है। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड से लगते हुए जो राज्य हैं, चाहे हिमाचल की बात हो, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, तो कहीं ना कहीं तस्करी में इजाफा होता था उत्तराखंड के दामों को लेकर। उत्तराखंड में दामों में ज्यादा होते थे और अन्य राज्यों में, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में सस्ती है शराब। उसके चलते ही सरकार की इस बार कोशिश होगी कि जो शराब के दाम है वो उत्तराखंड में भी कम रखे जाए। उत्तराखंड की जो आबकारी नीति है वो कुछ इस हिसाब से बनाई जाए कि यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों पर शराब उपलब्ध हो और साथ ही दुकानों की संख्या ज्यादा हो, जिससे जो तस्करी या जो अन्य राज्यों से सप्लाई होने वाली शराब है उस पर रोक लगाई जा सके और उत्तराखंड को सरकारी राजस्व में फायदा हो। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।